दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया के रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र की नॉमिनल जीडीपी अरब वर्ल्ड के यूए कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। वहीं आपको शायद यकीन न हो लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेघालय स्टेट कुवैत जैसे कंट्री से साइज में काफी बड़ा है। तो मेरे दोस्त स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए कंपैरिजन वीडियो में, जहां आज हम इंडियन स्टेट को कंपेयर करने वाले हैं अरेबियन कंट्रीज से। तो वीडियो काफी शानदार और अमेजिंग होने वाला है, एंड तक अपने भाई का साथ जरूर देना क्योंकि लास्ट तक देखोगे तो तभी तो जान पाओगे कि वाकई हमारे भारत के राज्य अरबी देशों को टक्कर भी देंगे या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो का टॉपिक सजेस्ट किया था कर्नाटका के शिवा ने। वहीं इसके अलावा हमारा आने वाला अगला वीडियो होगा इंडियन स्टेट वर्सेस रशियन स्टेट्स के बारे में। तो आइए दोस्तों फाइनली शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की। तो पहले जानते हैं अरब वर्ल्ड के बारे में ब्रीफ में। तो अरब वर्ल्ड या फिर अरब लीग एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया से मिलकर बना है। अरब वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया 1,31,32,327 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के मामले में चाइना, अमेरिका एंड कनाडा जैसे देशों से भी काफी बड़ा है। अरब वर्ल्ड की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक, जबकि यहाँ पर रहते हैं लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। दोस्तों आपको बता दूं, अरब लीग की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी दुनिया की सबसे लंबी नील नदी के मुहाने पर बसी साइरस सिटी है, जो कि इजिप्ट जैसे कंट्री की कैपिटल भी है। इसके अलावा अरबिक लीग टोटली 22 कंट्रीज में क्लासिफाइड है, जिसमें सीरिया सस्पेंडेड हो चुका है। लेकिन दोस्तों फिलहाल हम इस वीडियो में सीरिया को इंक्लूड करने वाले हैं। वहीं इंडिया की बात की जाए तो यह एक साउथ एशियन कंट्री है जो कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। भारत वो देश है जिसके पास सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भी है इंडिया के पास, जो कि 59 लाख मील के हिस्से को आपस में जोड़ती है। दुनिया के सातवें सबसे बड़े इस देश का क्षेत्र लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जबकि देश उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु, वेस्ट में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर टोटल 36 एंटिटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं अरबी देशों और भारत के राज्यों का अंतर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को 500 लाइक से पार पहुंचा देना, छोटा सा लाइक एम है। और यह भी बताना कि वीडियो कहां से देख रहे हो, कौन सी सिटी, कौन से स्टेट और कौन से कंट्री से। सो पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हमारे इंडिया का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम, जिसकी पॉपुलेशन है 61 लाख के अराउंड। इसके बाद यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप की आबादी 64,000, जबकि दमन एंड द्वीप में रहते हैं करीबन 2.5 लाख लोग। वहीं अरेबिक लीग में सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है कैमरस, जिसकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 9 लाख के अराउंड है। इसके बाद 10 लाख पॉपुलेशन के साथ जिबूती 21वें नंबर पर, जबकि बहरीन 18 लाख आबादी के साथ 20वें नंबर पर आता है। ओ इन कंट्रीज की पॉपुलेशन तो हमारे छोटे से सिक्किम स्टेट से भी कम है। सिक्किम की पॉपुलेशन अरेबिक लीग में ओमान, पालिस्तीन, मोरितानिया, कुवैत एंड कतर जैसे देशों से भी ज्यादा है। पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 22 करोड़ पीपल है। इसके बाद आता है बिहार स्टेट विद 12.8 करोड़ पॉपुलेशन, जबकि नंबर 3 पर आता है महाराष्ट्र, जिसकी आबादी 12.57 करोड़ है। वहीं अरेबिक लीग में सबसे ज्यादा आबादी है इजिप्ट यानी मिस्र की 10 करोड़ के अराउंड, जिसको हमारे इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल की 10.1 करोड़ की पॉपुलेशन सेटिस्फाई करती है। वहीं अरबी देशों में दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्जीरिया में, जबकि तीसरी सबसे बड़ी आबादी सूडान में रहती है। अल्जीरिया की आबादी को टक्कर देगी इंडियाज 11th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ओडिशा की 4.72 करोड़ की पॉपुलेशन, जबकि सूडान तेलंगाना की 4.01 करोड़ की आबादी के आसपास ठहरता है। वहीं ओवरऑल पॉपुलेशन देखी जाए तो इंडिया की 2022 की पॉपुलेशन 141 करोड़ के अराउंड है, जबकि अरेबिक लीग की आबादी 43 करोड़ की है। दोस्तों बात की जाए जीडीपी की तो इंडिया का सबसे कम जीडीपी वाला स्टेट है मिजोरम, जिसकी जीडीपी करीबन 4 बिलियन डॉलर्स की है और यह 35 रैंक पर स्टैंड करता है इंडिया में। वहीं अरब वर्ल्ड में सबसे कम नॉमिनल जीडीपी सूडान की 35 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि 22nd रैंक पर स्टैंड करता है। इंडिया के 22वें राज्य को कंपेयर करते हैं तो हिमाचल राज्य की जीडीपी 24 बिलियन डॉलर्स की है, और यह भी सूडान की जीडीपी से थोड़ी सी कम है। बहरीन की जीडीपी 42 बिलियन डॉलर्स, जबकि ट्यूनिशिया की जीडीपी 45 बिलियन डॉलर्स की है। वहीं ये कंट्रीज सेटिस्फाई करते हैं उत्तराखंड राज्य की 41 बिलियन डॉलर्स, जबकि झारखंड
थाईलैंड की 51 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी को। दोस्तों अरेबियन लीग में सबसे ज्यादा नॉमिनल जीडीपी सऊदी अरेबिया की 820 बिलियन डॉलर्स की है, जो हमारे इंडिया के रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र की 430 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी से काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र अरब वर्ल्ड के दूसरे और तीसरे सबसे अमीर देश को टक्कर दे सकता है, जिसमें इजिप्ट यानी मिस्र की 438 बिलियन डॉलर्स एंड यूएई की 421 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी शामिल है। वहीं इराक जैसे कंट्री की 203 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी को हमारे इंडिया का सिक्स्थ रिचेस्ट स्टेट वेस्ट बंगाल का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 210 बिलियन डॉलर्स टक्कर देगा। इसके बाद हमारे तेलंगाना स्टेट की 170 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी अल्जीरिया कंट्री की 151 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी से काफी ज्यादा है। वैसे राजस्थान की जीडीपी भी अल्जीरिया से ज्यादा है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं टॉप 10 इंडियन स्टेट्स वर्सेज अरेबियन कंट्रीज की जीडीपी का कंपैरिजन। दोस्तों बात करते हैं साइज की, तो अरब वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया है अल्जीरिया, जिसका एरिया 23.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इंडिया के राजस्थान स्टेट के 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया का लगभग 6 गुना है। वाकई दोस्तों अल्जीरिया राजस्थान से काफी बड़ा है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश भी इन टर्म्स ऑफ एरिया, और अरब लीग में 18.1% एरिया शेयर करता है। इसके बाद अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है सऊदी अरेबिया विद 21 लाख प्लस किलोमीटर स्क्वायर एरिया, जबकि सूडान देश का क्षेत्र फैला है 18 लाख किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा के क्षेत्र में। वहीं अरब वर्ल्ड के चौथे सबसे बड़े देश मॉरिटानिया एंड पांचवे सबसे बड़े देश इजिप्ट का एरिया 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला है, और यह सभी देश एरिया के मामले में भारत के सभी राज्यों से काफी लार्ज है। लेकिन दोस्तों हम इंडियन स्टेट को दूसरे देशों से कंपेयर कर सकते हैं, तो राजस्थान स्टेट का एरिया इराक जैसे कंट्री के एरिया को टक्कर दे सकता है। भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश का एरिया ओमान जैसे कंट्री के एरिया को, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य का एरिया टक्कर दे सकता है टूनिसिया के 1,63,610 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को। वहीं एरिया के मामले में छोटा सा राज्य मेघालय कुवैत जैसे कंट्री के 17,820 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से काफी बड़ा है। वहीं भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा एरिया के मामले में अरब वर्ल्ड के सबसे छोटे देश बहरीन से काफी बड़ा है। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कुछ अदर पैरामीटर्स के बेसमेंट पर कंपैरिजन। आगे के कंपैरिजन पर जाने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं पूरी अरबियन लीग में। तो दोस्तों द अरब लीग ऑफिशियली द लीग ऑफ अरब स्टेट्स अरबी भाषा बोलने वाले 22 एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के मॉरिटानिया मोरक्को एंड अल्जीरिया कंट्रीज आते हैं। यहाँ पर मिल जाएगा आपको लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अरब वर्ल्ड यानी अल्जीरिया। इसके बाद नॉर्थ अफ्रीका की 4 कंट्रीज जिसमें शामिल है ट्यूनिशिया लीबिया इजिप्ट एंड सूडान अरब वर्ल्ड के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अरब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इजिप्ट। इसके बाद हम आते हैं ईस्टर्न अफ्रीका में, जहाँ पर कॉमोरोस जिबूती एंड सोमालिया आदि देश आते हैं। दोस्तों बात करते हैं एशियन कंट्रीज की, तो एशिया के कुल 12 देश अरब लीग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें शामिल है बहरीन इराक जॉर्डन कुवैत लेबनान ओमान स्टेट ऑफ पालेस्टीन कतर ब्रुनेई सऊदी अरेबिया सीरियन अरब रिपब्लिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा अरब वर्ल्ड का सबसे अमीर देश कतर एंड यूएई। दोस्तों अरेबिक लीग में जहां दिनार करेंसी चलती है, वहीं इंडियन स्टेट्स में चलता है इंडियन रुपया। ये जीडीपी पर कैपिटा को देखते हैं, तो अरब स्टेट्स में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा कतर जैसे कंट्री का 69,687 यूएस डॉलर्स है। दोस्तों आपको बता दूं पर कैपिटा वाइज कतर वर्ल्ड का नंबर वन कंट्री है। इसके बाद नंबर टू पर आता है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका पर कैपिटा 43,103 यूएस डॉलर्स है। दोस्तों नंबर थ्री पर है कुवैत, जिसका पर कैपिटा 32,373 यूएस डॉलर्स का है। वहीं इंडिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम गोवा स्टेट की 7,032 यूएस डॉलर्स की है। दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम स्टेट, जिसका पर कैपिटा 6,545 यूएस डॉलर्स का है। जीडीपी पर कैपिटा वाइज थर्ड नंबर पर आता है दिल्ली, जिसका पर कैपिटा 5,254 यूएस डॉलर्स का है। दोस्तों सबसे कम पर कैपिटा की बात करते हैं, तो अरब लीग में सबसे कम पर कैपिटा सीरिया एंड सूडान का 1,249 यूएस डॉलर्स का है। वहीं अपने इंडिया में सबसे कम पर कैपिटा बिहार स्टेट का 681 यूएस डॉलर्स का है। वहीं ओवरऑल पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो इंडिया का पर कैपिटा 2,192 यूएस डॉलर्स का है, वहीं अरब लीग का 6,358 यूएस डॉलर्स का। लिटरेसी रेट
अरबी देशों में सबसे ज्यादा लिखने और पढ़ने वाले लोग जॉर्डन कंट्री में रहते हैं विद 97.9% लिटरेसी रेट। इसके बाद कतर का नंबर आता है जिसका लिटरेसी रेट 97.8% है। वहीं इंडिया में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखने वाला स्टेट केरला है जिसका लिटरेसी रेट 96.2% का है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप विद 92.2% लिटरेसी रेट। ओवरऑल लिटरेसी रेट देखें तो अरब वर्ल्ड का लिटरेसी रेट 76.9% का है, वह इंडिया का 77.7%। आइए सेक्स रेशियो की बात करते हैं। इंडिया में हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट है केरला विद 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। वहीं अरब लीग में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो रखने वाला कंट्री है कतर विद 3150 मेल्स पर 1000 फीमेल्स। 200 अरब लीग का सबसे गरीब देश है येमेन। वहीं इंडिया का सबसे गरीब राज्य है बिहार। टूरिज्म वाइज देखें तो अरेबियन लीग में सबसे टॉप वन कंट्री है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहीं इंडिया में सबसे ज्यादा सैलानी तमिलनाडु स्टेट को विजिट करने के लिए आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो अरब वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल कंट्री है सऊदी अरेबिया। वहीं हमारे इंडिया का मोस्ट पावरफुल स्टेट है तमिलनाडु। इसके बाद टॉप 5 सिटीज की बात की जाए तो अरब वर्ल्ड की टॉप 5 सिटीज में साइरो, दुबई, कुवैत, रियाद एंड अबू धाबी शामिल है। वहीं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर एंड हैदराबाद इंडिया की टॉप 5 सिटीज में गिनी जाती है। जहाँ अरब वर्ल्ड में 60% पॉपुलेशन अफ्रीकन अरेबियन कंट्रीज में रहती है, वहीं 40% पॉपुलेशन एशियन अरेबिक कंट्रीज में रहती है। वहीं जीडीपी वाइज देखा जाए तो 60% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एशियन अरेबिक कंट्रीज का होता है, जबकि 40% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अफ्रीकन अरेबिक कंट्रीज का होता है। वहीं इंडिया की बात की जाए तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि 50% जीडीपी साउथ एंड वेस्टर्न रीजन से आती है, जबकि 50% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न भाग मिलकर करते हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया में 50% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न भाग मिलकर करते हैं, जबकि 50% पॉपुलेशन वेस्टर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न भाग में रहती है।